मैं आया हूँ रानी बाग संडे के दिन, 15 मई है। आप यहाँ पे बाहर में पार्किंग देख सकते हैं। पार्किंग वैसे तो बड़ी है बट फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे है, तो आप जितना जल्दी आएंगे उतना आपको जल्दी यहाँ पे स्पेस मिल जाएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आप संडे को भी आते हैं और समर वेकेशन चल रहा है अभी फ़िलहाल, तो यहाँ पे ज़रा टिकट के लिए आप ज़रा लाइन देखते हैं। राशन ऐसा मिल रहा है ना, वैसा लाइन है यहाँ से। ये लाइन में लगो तो मुझे लगता है अराउंड 1 घंटे की लाइन तो प्रॉपर ही यहाँ पे लगेगी टिकट के लिए। अभी संडे को आना अवॉइड करना ऐसा तो नहीं बोल सकते, क्योंकि वीकेंड में ही आप आएंगे, यदि बच्चे को लेकर आएंगे तो छुट्टी तो वही टाइम पे होती है। लाइन जरा देख लो आप भाई, क्या लाइन है। टिकट काउंटर के बाजू में ही ये ब्यूटीफुल सा गार्डन है, तो जब तक आप टिकट के लाइन में रहेंगे फैमिली मेम्बर्स यहाँ पे आके रेस्ट कर सकते हैं, बच्चे खेल सकते हैं। एक घंटे लाइन में रहने के बाद मैंने टिकट ले लिया है। 50 रुपीज़ का एडल्ट टिकट है। जब फैमिली में आते हैं तो आपको 100 रुपीज़ है। फैमिली में 4 लोग इंक्लूड है, 2 एडल्ट्स एंड 2 बच्चे जो कि 15 ईयर्स के नीचे होने चाहिए। जब आपके पास कोई कैमरा है, DSLR कैमरा है, कोई भी वीडियो कैमरा है, तो उसके चार्जेस अलग है। 100 रुपीज़ फॉर फोटोग्राफिक कैमरा एंड यदि वीडियो कैमरा है आपके पास तो 300 रुपीज़ उसके चार्जेस है। मैं सजेस्ट करूँगा कि आप अपना डे जो है वो जल्दी स्टार्ट करें। एज़ अर्ली यू स्टार्ट योर डे, आपका लाइन में उतना ही कम टाइम लगता है। अब देखो ये जो टिकट की लाइन है वो तो है ही, एंट्री करने का लाइन भी अलग है। एंट्री करने का 15 से 20 मिनट का टाइम जरूर लगने वाला है। ये पीछे मेरे पीछे गेट देख रहे हैं आप, यहाँ से एंट्री लेंगे और उसके बाद आगे आपको दिखाते हैं। गाइड बोर्ड की तरफ देखते हैं क्या क्या है इसमें। यहाँ पर है रानी बाग में एंटर करते ही आपको सामने ही किंग अल्बर्ट एडवर्ड की आपको स्टैचू मिलेगी, जो कि ब्लैक हाउस पे है। भी आगे चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं। अब जैसे अंदर आते हैं आपको पता नहीं चलता आपको किस ओर जाना है, तो क्योंकि ऐसी भूल भुलैया है, हर जगह से रास्ते हर जगह घूमते हैं यहाँ पर, तो इस केस में आपको बोर्ड को फॉलो करना बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कि मेरे सामने आप देखते हैं ये डायरेक्शनल बोर्ड है। फर्स्ट में आपको एलिफेंट है, सेकेंड में लायन, फिर वुल्फ, देन बियर, लेपर्ड, देन टॉयलेट वगैरह है, तो इसको ज़रूर फॉलो करें कि जर्नी है वो ईजिली कवर हो जाएगी। आइए सबसे पहले एलिफेंट देखते हैं। ह्यूज एलिफेंट, तो सर में एलिफेंट है। ओके, यहाँ पर है स्लॉथ बियर, लेट्स सी वी कैन गेट अ ग्लिम्स ऑफ दैट। एनिमल्स जो है अभी अपने केज में है, आई थिंक रेस्ट कर रहे हैं, सो वैसे दिख नहीं पा रहे। तो आई रिकमेंड कि आप जब भी यहाँ पर आएँ तो
दोपहर के समय आना थोड़ा अवॉइड करें, मॉर्निंग में आएंगे तो बेटर होगा, मॉर्निंग एंड इवनिंग टाइम्स आर बेटर। चलो बहुत सिलेक्ट से टाइगर दिखता है कि नहीं, टाइगर मस्त मस्त हो रहा है भाई, स्टैचू है। यहाँ पे देखने के लिए ह्यूज ग्लास लगा हुआ है, सेंटर है। यहाँ से आप लेफ्ट में जाएंगे तो टाइगर का टाइगर है, राइट में हाइनेस है एंड लेपर्ड है, स्ट्रेट जाएंगे तो जैकल मिलेगा और एक ह्यूज सा यहाँ पर रिलैक्स करने के लिए बनाया गया है सिटिंग प्लेस। यहाँ से लेपर्ड और हाइना के केव में जाते हैं और देखते हैं कि लेपर्ड सो रहा है या जाग रहा है, होपफुली देखने को मिल जाए। सामने दो हाइना रिलैक्स कर रहे हैं, सी क्लोजली ओके, लेट्स सी लेपर्ड देखने को मिलता है कि नहीं। बॉस दिख रहा है, दिख रहा है, आ रहे क्या, कहाँ है भाई, दो लेपर्ड यहाँ से स्पॉट हो रहे हैं। का एरिया है आप देख सकते हैं, काफ़ी ह्यूज है, यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है और यहाँ से होते हुए बीच में पानी का भी हर जगह अरेंजमेंट्स है, जितने भी एनिमल्स हैं उनके लिए पानी का अरेंजमेंट्स है ही, और यहाँ से होते हुए सिर्फ दो लेपर्ड है और दो लेपर्ड के लिए इतना बड़ा जगह बनाया हुआ है, अमेजिंग। और वो अलग से केज, प्रॉपर्टी है जो कि ये 53 एकड़स ऑफ लैंड पे है, तो नेचुरल के लिए आप पूरा इसको घूमेंगे तो आपको काफ़ी टाइम लगेगा, आपको थोड़ी सी डिहाइड्रेशन होगी, तो जगह जगह पर यहाँ पर एक गार्डन सा बनाया हुआ है, आप वहाँ पे बैठ कर रिलैक्स कर सकते हैं फैमिली के साथ, कुछ खाना वगैरह लेके आए घर से तो आप वो खा सकते हैं। बाकिंग डियर, स्वैम्प डियर, चलो यहाँ से चलते हैं, लेट्स सी स्पॉटेड डियर दिखता है कि नहीं। जोन
कम से कम 15 से 20 स्पॉटेड डियर वहाँ पे गैदरिंग है। अच्छा, डियर में और एंटेलोप में क्या डिफरेंस है वो भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ट्रायल यात्रा, ट्रायल 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 यात्रा। महेश, अभी से ईशान ईशान मिक्स हो। थैंक यू, थैंक यू महेश।